पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर हुआ मतदान। ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ मतदान। सबसे अधिक वोटिंग 80.40% त्रिपुरा में हुई। पश्चिम बंगाल में 77.57% मतदान। चुनाव आयोग के मुताबिक 62.37% हुआ औसत मतदान। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर 58.49% 49%। एमपी में 6 लोकसभा सीटों पर 67.77% वोट है। महाराष्ट्र में 5 लोकसभा सीटों पर 55.35%। बिहार की 4 सीटों पर 48.5% मतदान। वहीं पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा सीटों पर 77.57% मतदान। असम में 5 लोकसभा सीटों पर 72.10%। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटों पर 69.13% मतदान। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों से चुनाव संपन्न कराकर हेलीकॉप्टर से लौटा मतदान दल, पुलों से हुआ स्वागत। वोटिंग खत्म होने के बाद अपने अपने दावे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, सभी 8 सीटों पर होगी जीत। अखिलेश बोले, बीजेपी की खिड़की खाली, पहला शो फ्लॉप। कुछ बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रमाणिक का टीएमसी पर आरोप, कहा टीएमसी के गुंडे मोटरसाइकिलों के साथ बूथ पर आए और मतदान केंद्र में तोड़फोड़ की। बिहार में मतदान के बीच जीतन राम मांझी ने लगाया बड़ा आरोप, गया में वोटिंग परसेंटेज कम करने की साजिश की आशंका जाहिर की। अमरावती में मतदान जागरूकता के लिए तिरंगा महारैली आयोजित, दूसरे फेज में 26 अप्रैल को अमरावती में मतदान है। उदयपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, अमित शाह का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया, भारी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक। गृहमंत्री अमित शाह ने 370 को लेकर राहुल और महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना, कहा यह नरेंद्र मोदी की सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी अध्यक्ष ने किया रोड शो, रथ पर साथ नजर आए बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा जोश। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को बताया वंशवाद वाली पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, कांग्रेस कहती है कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। पीडीपी ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र, पीडीपी ने हिलिंग टच नीति को आगे बढ़ाते हुए फिर से पाकिस्तान के साथ डायलॉग स्थापित करने, रास्ते खोलने की बात कही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गौतम बुद्ध नगर में बैठक की है, अग्निवीर को लेकर साधा निशाना, कहा अगर वो अग्निवीर की व्यवस्था कर सकते हैं तो पैसे बचाने के लिए पुलिस को भी आउटसोर्स कर सकते हैं। बीएसपी ने 11 और उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची जारी की है, हरदोई से भीमराव अंबेडकर, संत कबीर नगर से मोहम्मद आलम को चुना है, वाराणसी से सैयद नियाज अली बीएसपी के प्रत्याशी। 5 महीने में 21 लाख रुपए बढ़ी शिवराज चौहान की संपत्ति, नामांकन में 3,42,00,000 की संपत्ति का ब्यौरा दिया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर निशाना, कहा भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को बंधुआ मजदूरों की तरह इस्तेमाल कर रही है। संविधान विवाद पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा जो लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो नष्ट होने के लिए तैयार हैं। यूपी एमपी में चुनाव प्रचार के बाद महाराष्ट्र पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, वर्धा की रैली में बोले कांग्रेस की सोच हमेशा से विकास और किसान विरोधी रही है, कहा गारंटी ऐसे ही नहीं दी जाती। कांग्रेस और इंडी अलायंस की सोच हमेशा से विकास विरोधी और किसान विरोधी रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की रैली, जनसभा के लिए तैयारियां पूरी। एमपी के दमोह में पीएम ने की रैली, कहा आज देश में वो सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी के सामने झुकती है, हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से जो सामने झुकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी से परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेता बेचैन हैं, परेशान हैं। बोले आज दुनिया के हालात को देखते हुए ऐसी सरकार चाहिए जो युद्ध स्तर पर काम कर सके। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पीएम की रैली, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान देश के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी की जमकर तारीफ की, बोले अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं देश का डंका भी बजाता है। प्रधानमंत्री का राहुल अखिलेश पर तंज, कहा यूपी में 2 शहजादों की जोड़ी है, दोनों तुष्टिकरण भ्रष्टाचार के साथ घूम रहे हैं। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी,
उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। अपनी नारी आज चुनावी मिशन को लेकर पीएम मोदी की चार रैली, पहले नांदेड़ फिर परभणी में प्रधानमंत्री करेंगे चुनावी रैली। पीएम मोदी दोपहर में चिक्का बलापुर और शाम को बेंगलुरु नॉर्थ में रैली करने वाले हैं। वहीं अमित शाह आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रैली करेंगे, पहले भीड़वाला में करेंगे चुनावी शंखनाद, तो दोपहर में कोटा और शाम वृंदावन में जनता के बीच अमित शाह रहेंगे। राहुल गांधी की आज भागलपुर और अमरोहा में रैली होनी है, अखिलेश यादव भी होंगे अमरोहा की रैली में राहुल गांधी के साथ। प्रियंका गांधी करेंगे केरल के चलाकुड़ी और पथानमथिट्टा चुनाव प्रचार, बाद में तिरुवनंतपुरम में रोड शो के बाद करेंगे जनसभा। उधर हिमाचल प्रदेश मंडी में विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को सनातन पर घेरा है, कहा कंगना बीफ खाती है। विक्रमादित्य सिंह ने की मोहन भागवत से हिमाचल में सनातन की रक्षा करने की अपील, कहा हिमाचल प्रदेश में सनातन धर्म खतरे में आ गया है। केजरीवाल के खाने जेल में ऑनलाइन डॉक्टरी सलाह और इंसुलिन की मांग पर सोमवार को फैसला सुनाएगी दिल्ली की अदालत। राजकोट से परषोत्तम रूपाला को नहीं हटाने को लेकर बीजेपी को राजपूत समाज की धमकी, आज फिर से दी ताजा प्रदर्शन की धमकी। राजपूत समाज की चेतावनी, 7 मई तक गुजरात में राजपूत महिलाओं ने भूख हड़ताल रख सकती हैं, कर सकती हैं। उधर मध्य प्रदेश के गुना में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला आया, हिंदू लड़की से 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद अयान पठान नाम के लड़के ने लड़की को बेरहमी से मारा। पीड़ित लड़की ने बयान देकर कहा आंखों में लाल मिर्च डाली, मुंह में भी लाल मिर्च डालकर फोटो को फेविक्विक से चिपकाया। बेटी की मौत के बाद पिता ने रोष जताते हुए कहा कि इलाके में तेजी से बढ़ रहा है लव जिहाद का मामला। वहीं मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में गाने की वजह से एक हिंदू शख्स को मुस्लिम लड़कों ने बेरहमी से पीटा, पाकिस्तान जिंदाबाद के लगवाए नारे। अंबाला में बदला मौसम का मिजाज, अप्रैल के महीने में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अंबाला में तूफानी हवा के साथ हुई तेज बारिश से फसलों को नुकसान, किसान परेशान। जबकि सहारनपुर में हुई तेज बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत। पुंछ में तेज हवा और बारिश के कारण गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल ढह गया, यातायात प्रभावित। शिमला में भी बरसे बादल, ताजा बारिश की तस्वीरें सामने आई। करनाल में बारिश और ओलावृष्टि से हाल बेहाल खेतों और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, किसान बेहद परेशान। जबकि पटियाला में कुछ हिस्सों में हुई ओलावृष्टि और बारिश, शहर के कई इलाकों से आई बारिश की तस्वीरें। उधमपुर में भारी बारिश से हुआ भूस्खलन, पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रुका यातायात। छत्रपति संभाजीनगर में रोजमर्रा के जीवन पर पड़ने लगा है बढ़ते तापमान का असर, अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ही गर्मी का पारा पहुंचा 40 के पार। नागपुर में मतदान के दिन तापमान 41 डिग्री के पार हुआ, मतदान के प्रतिशत में इसका असर देखने को मिला। उधर जालंधर में तेज हवा के साथ बारिश, शहर में जमकर गिरे ओले। कांगड़ा घाटी में भी एक हफ्ते से लगातार हो रही है बारिश, कई इलाकों से तस्वीरें सामने आई। चेन्नई में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, हीट वेव से परेशान लोग। उड़ीसा के झारसुगड़ा में बड़ा हादसा, महानदी में 50 यात्रियों से भरी नाव पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पटना में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन का फैसला, 10वीं तक के सभी स्कूल्स को 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। कानपुर में मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद, चादर की आड़ में शटर का ताला खोलकर अंदर दुकान में घुसे थे चोर।
ग्वालियर के संगम वाटिका में लगी आग, दूर दूर तक उठी आग की भीषण लपटें। झारखंड के चतरा में संचालित एनटीपीसी प्लांट में भीषण आग, हादसे का वीडियो सामने आया। तिरुपति के तिरुमला के पास के जंगलों में भयंकर आग, वन्य जीवन को भारी नुकसान। कानपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, दूर दूर तक उठी भयंकर आग की लपटें। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने गुजरात में प्राचीन विशालकाय सांप के जीवाश्म की खोज की है, तस्वीरें सामने। वहीं ग्वालियर में पोते की चाह रखने वाली दादी ने अपनी 4 दिन की दिव्यांग पोती की गला दबाकर हत्या कर दी। दिल्ली के लाजपत नगर में बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट, करीब 10 से 12 लड़कों ने किया हमला। सूरत में संपत्ति विवाद में मां बेटी ने गन्ने के खेत में आग लगा ली, मामला दर्ज होने के बाद मां बेटी हुई गिरफ्तार। फाजिलका में बदमाशों के हमले में घायल युवक ने कार्रवाई न होने पर खा लिया जहर, 15 दिनों तक चले इलाज के बाद तोड़ दिया दम। फतेहपुर में मतदान केंद्र के बाहर एक हिस्ट्रीशीटर पर हमला, वोट डालने जा रहा था यह शख्स। हरियाणा के जिंद में जेल में बंद महिला कैदी को नशा खिलाकर 2 कैदियों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने किया मामले में दर्ज। कुलगाम में 4 मजदूर खाई में गिर गए, जिला अस्पताल में 2 की मौत हो गई, बाकी की हालत नाजुक बताई जा रही। प्लास्टिक सर्जरी के सवाल पर बोले राजकुमार राव, मेरे साथ प्रैंक हुआ है, बताया बदले लुक्स का सच। राजकुमार ने कहा, आपने वो तस्वीर देखी हो तो ये असल में बहुत फनी है, क्योंकि वो मैं हूं भी नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि वो फोटो एडिट की गई है। इम्तियाज अली ने चमकीला के कास्टिंग पर बातचीत की, एक्ट्रेस ने बिना पैसे लिए की लाइव सिंगिंग करवा दिखाया। टीवी टीआरपी रिपोर्ट में अनुपमा टॉप पर बरकरार, शो झनक ने भी किया अच्छा प्रदर्शन। दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ एक्सीडेंट, ऊंचाई से गिरने पर हाथ की 2 हड्डियां टूटी। नेस्ले की बेबी फूड्स में एक्स्ट्रा शुगर के आरोपों की जांच करेगी FSSAI। नेस्ले पर कम और मध्य आय वर्ग वाले देशों में अपने उत्पादों में ज्यादा शुगर और शहद मिलाने का गंभीर आरोप।